ये कहानी इसी सदी की है। एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो, आम के पेड़ ने कहा। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता, रामू ने जवाब दिया। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, रामू आगे बोला। माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा चलो आओ, अरे मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, रामू ने पूछा। मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, रामू ने पूछा। इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आम तो कभी के खत्म हो गए, रामू बोला। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए, पेड़ बोला। तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है, पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए, रामू ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास, और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूं, बस आराम करना चाहता हूं, रामू बोला। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़
हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।